सब्सक्राइब कीजिए फिल्मी बीट, दबाए बेल आइकन और पाएं एंटरटेनमेंट से जुड़ी खबरें सबसे पहले। मैं हूं प्रभजोत कौर और आप देख रहे हैं फिल्मी बीट। आमिर खान ने पीके में रॉन्ग नंबर लगाया था, आपको तो ये बात याद ही होगा। अगर आपको याद हो तो पीके के रिलीज से कम 4 महीने पहले ये बता दिया गया था कि फिल्म में आमिर खान एक एलियन बने हैं, लेकिन आमिर खान ये बात मानने को तैयार नहीं थे। पता नहीं क्यों इस बार भी आमिर खान ने रॉन्ग नंबर लगाया है। दरअसल काफी समय से मीडिया में चर्चा है कि ठग्स ऑफ हिंदुस्तान अंग्रेजी फिल्म पायरेट्स ऑफ द कैरेबियन का रीमेक है, लेकिन आमिर खान मान ही नहीं रहे हैं। मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं, मानेंगे भी क्यों। अभी तक फिल्म की जितनी तस्वीरें लीक हुई हैं उसमें भी ये बात साफ है कि फिल्म अगर रीमेक नहीं तो समुद्री लुटेरों से रिलेटेड है, लेकिन फिर भी आमिर को ये बात माननी ही नहीं है। कुछ दिन पहले सलमान खान की ट्यूबलाइट को लेकर भी ऐसी बातें सामने आई थी कि उन्होंने लिटिल बॉय का रीमेक बनाया है, लेकिन आमिर और सलमान में एक अंतर है। जहां सलमान एक फ्लॉप फिल्म का रीमेक बना रहे थे, वहीं आमिर एक ब्लॉकबस्टर का रीमेक बना रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि उनका प्लान कितना काम करता है और कितना नहीं। फिलहाल अब इंतजार सिर्फ ठग्स ऑफ हिंदुस्तान की रिलीज का है, क्योंकि अगर ये जैसी भी है आमिर खान की है, और आमिर खान मिस्टर परफेक्शनिस्ट हैं और हमेशा से ही बॉक्स ऑफिस पर इनकी फिल्मों का इंतजार रहता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बॉलीवुड और टेलीविजन की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए देखते रहिए फिल्मी बीट।